रिस्पेक्टेड अदर डिग्निटरीज हियर, बहुत खुशी हो रही थी। शुरू में कश्मीर के लिपट सा गया इंसान अभी कुछ पल के लिए तो खामोशी सी हो गई थी, और ये भी सोच रहा था कि जब हमने स्टार्ट किया था, इनफैक्ट अभी भी लर्नर्स ही हैं, तो इतनी ज्यादा आर्ट को लेके अंडरस्टैंडिंग नहीं थी जितनी आजकल की जनरेशन। बाकी श्री परम रहमान आप सबको मेरा सलाम। एक्सट्रीमली सॉरी, मैं इस प्रोग्राम की बिगिनिंग से यहाँ पे आपके साथ नहीं रह पाया। तारिक साहब ने काफी कॉल किया। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आज के जो खास मेहमान जो हमारी सामने आज मौजूद है इस सेरेमनी में है, अवार्ड लॉन्चिंग सेरेमनी ऑफ शहरी खास फिल्म प्रोडक्शन। हमारी जो आजकल हम देखते हैं कि यहाँ के यूथ जो उनके अंदर जो टैलेंट है, हम चाहते हैं उनको बाहर निकालना। आज के इस महफिल में मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सैयद इरफान फाजिल साहब ने अपना वक्त निकाला और इस प्रोग्राम के लिए राजा सरफराज अहमद साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, नरगिस आवान साहिबा का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, फतोह साहब का भी, आशिक साहब के जो ओरियन वैली जो सोलर प्राइवेट लिमिटेड उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जो फतोह साहब की बात अगर हम करेंगे कि ये भी हमेशा सपोर्ट करते हैं, जो भी हम इवेंट्स करते रहते हैं हमेशा सपोर्ट करते हैं इस प्रोग्राम को, जब भी चाहे वो नाच होगा चाहे कल्चरल प्रोग्राम होगा, फतोह साहब का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इनका जो इनके नया जो रोया जो एक जल्द ही वो लॉन्च होने वाली है, वो एक हमें आज यहाँ पर ये प्रोग्राम मुनक्कद करने में भरपूर साथ दिया। अगर हम बात करेंगे शहरी खास फिल्म प्रोडक्शन की, जैसे कि आप सबको मालूम है कि हमारी एक एनजीओ है एंजल्स